अगर आपका डीजल जला के दुकान जाते हैं ट्रैफिक में सामान खरीदते, उससे बेटर है घर बैठे बैठे बटन में आपका काम हो जाता है. Yeah, so I think it's a great opportunity and it's a very easy thing for everyone. Abhi even jitna easy ho jayega to wo hamare liye bhi profit hai, organizers ke liye bhi profit hai, sabke liye win-win situation hai. I think it's a great concept. Rimi, I would request you to have a seat so I can call the other guests on the stage. I would like to invite ek bahut hi khas mauke ke liye sab log aaye hain, phir bhi dukhi hain. Chai piya? चला भाई चाय. वेरी गुड, इट्स गुड. सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी. बहुत सारी मूवीज में आपने इन्हें देखा है, प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर बैनर्जी. जय बैनर्जी. सॉरी, लाइक टू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ये खूबसूरत चेहरे देखें. थैंक यू सो मच. और गो सेलेब के लिए चिराग भाई, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही एक तरीके से एक नया चेंज करेगा हमारी इंडस्ट्री में, कि जिस तरीके की जो एक्सेस जो आर्टिस्ट के साथ में होनी चाहिए, जो नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से हमारी इंडस्ट्री में. तो मुझे लगता है कि एक नए तरीके का चेंज लेके आएगा और जिससे सबको काफ़ी फायदा होगा. बाकी बातें बाद में. ऑलराइट, थैंक यू. मिस्टर विनोद डाकरे जो हमारे आइडिया पैराडाइज के ग्रुप सीईओ हैं. सेकंड हमारे गो सेलेब के सीईओ मिस्टर मनीष नायर. एंड हमारे क्रिएटिव हेड मिस्टर खालिद खान. खालिद भाई कहाँ है, बुला बुला उनको. वैसे तो हमारी टीम बहुत बड़ी है. खालिद भाई आ जाइए. और कुछ सेलेब आ रहे हैं क्योंकि रेडी हो रहे हैं, तो सब आ रहे हैं. और रात को सारे जो एक्टर्स हैं सरसाना जाने वाले हैं, वहाँ पे सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे. और कुछ ही मिनटों में बाकी जो हमारे एक्ट्रेस हैं, पूजा चोपड़ा शायद वो आ चुकी हैं, वो बाहर हैं, और अंजना सुखानी और ऐश्वर्या सपूजा एंड चंकी पांडे वो भी हमें ज्वाइन करेंगे हमें 5 मिनट में. मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खाली गो सेलेब के बारे में सवाल करें यहाँ पे, क्योंकि अभी मीटू का बहुत कुछ चल रहा है, तो आर्टिस्टों ने पहले ही बोला है कि मीटू छोड़ के बाकी सब बात कर सकते हैं. और क्योंकि मीटू पे जाएंगे तो बहुत लंबा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा. और ये जो कॉन्सेप्ट है गो सेलेब का, जहाँ पे आप किसी भी एक्टर को अपने इवेंट के लिए इनवाइट कर सकते हैं, और हमारे वो आर्टिस्ट और आ जाए तब हम लोगो अनवील करेंगे. और साथ ही साथ बहुत सारे जो स्टाफ से रिक्वेस्ट है वो आगे आ रहे हैं. Go Celeb.
कॉल आपसे सही है, रियली गुड टू सी, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। और अमूमन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो बॉलीवुड को लेके कौन किसको प्रेज नहीं देता, हर कोई चाहता है अपने मनपसंद आर्टिस्ट से मिलना, एक्टर से मिलना, लोग मुंबई का रुख करते हैं फिर एक झलक पाने के लिए, और आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया पहले और पहला सवाल। दूसरा ये इतने सारे लोगों को ऑन बोर्ड लाना वाकई में बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, यू नो आई कैन सी रिमी, आई कैन सी मंजरी, एंड आई लव, यू नो आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी फीमेल्स ऑन द सेम स्टेज, वही शेयर आई वुड से इक्वल नंबर टू द मैन फीमेल सिटिंग हियर, यस यस। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, इजी, कितना आसान या मुश्किल था इन लोगों को लेके आना, अगर आप कुछ और डिटेल में बता सकें इस बारे में। इसके लिए एक ही सवाल है और एक ही जवाब है, 18 साल में मैंने ट्रस्ट कमाया है इंडस्ट्रीज में, बहुत कम लोग कमाते हैं, तो ये सोच लाना गौसेलब के लिए, गौसेलब जैसा अगर ट्रस्ट नहीं कमाया होता तो ये यहाँ आज 23 आर्टिस्ट है और टोटल पे 300 लोग हैं। मैंने कभी इंडस्ट्रीज में कोई भी आर्टिस्ट से कभी कमीशन नहीं खाया है, कभी भी मैं खाचा नहीं रखता हूँ, जो इंडस्ट्रीज की जो एक चीफ लैंग्वेज में बात करूँ, और जो भी काम करता हूँ मैं इंडस्ट्रीज में वो दिल से करता हूँ। और एक आर्टिस्ट इसलिए रिस्पेक्ट देता है कि उसके साथ जब आप प्योरली डील करें, अगर हम इसमें से मैं दो चार लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी आज यहाँ आए हैं, हम मिले भी नहीं हैं, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर था उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं, जो हम बोलते हैं और जो उनकी डिमांड होती है वो हम पूरी करते हैं। तो जहाँ ट्रस्ट है वहाँ पे आर्टिस्ट कोई भी बॉलीवुड का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आर्टिस्ट आपके साथ काम करेगा, और उसी वजह से वो सेलेब जैसा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया। और एक मेरा रैपो था, मैं काफ़ी मतलब 1500 से ज़्यादा इवेंट ऐसे कर चुका हूँ, और आपको बताने के लिए बता दूँ कि मैं एक साथ में इंडिया में तो मेरा नाम है कि एक साथ में मैंने मुंबई से लेके गांधीधाम तक एक ही साल में 10 दिन का मैनेजमेंट, 200 से ज़्यादा सेलिब्रिटी और 78 से पंडाल ज़्यादा मैंने मैनेज किए थे। तो सेलिब्रिटी के साथ तो मेरा नाता जुता रहता ही है, क्योंकि उनके साथ काम करना है, इवेंट, फिल्म, सीरियल सब कुछ हमारी कंपनी करती है, और लोगों का ट्रस्ट है, तो उसकी वजह से वो सेलेब आ गया। पूजा आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि आप तीनों से जानना चाहूँगा, क्या ऐसा खास लगा जो मोमेंट, यू नो द पीपल ऑफ दिस इंटायर इनिशिएटिव और द कॉन्सेप्ट अप्रोच इट, वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, रिमी क्या रिएक्शन था आपका, मंजरी आपका, पूजा की, इस तरह से कुछ, क्योंकि ये यूनिक है, हमने भी ऐसा कुछ सुना नहीं है कि आप एक तो अपने मनपसंद फिल्म सितारे से मिल सकते हैं और उसको पे करने के लिए आप उसको किस्तों में पैसे देते रहिए, मिल लीजिए हाँ पूरा कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चिराग जी मेरे घर पे आए थे और ये कॉन्सेप्ट मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तब उन्होंने कुछ ऐसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था, क्या है मैडम देखिए प्रोडक्ट है ना मार्केट में, तो मार्केट में प्रोडक्ट होता है, हमने आर्टिस्ट को प्रोडक्ट बना दिया था और उसके नीचे ये हमारे ऑप्शन, कैशबैक ऑप्शन सब है, तो मैंने दो सेकेंड के लिए सोच रही थी अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है इंसान के लिए भी कैशबैक ऑप्शन, मतलब, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग करते थे पहले, हम लोग कहाँ कहाँ जाके ढूंढ ढूंढ के कोई पर्टिकुलर सामान है तो ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे उस शॉप में जाओ कौन सा, क्योंकि हर चीज़ ज़ारा वारा ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा स्टोर में नहीं मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें जब रिक्वायरमेंट होता है बैंड्रा के लोकल मार्केट में, अंधेरी के लोकल मार्केट में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए, तो अभी लाइफ इतना ईजी हो गया है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट आने के बाद कि एक फिंगर में आपका सब कुछ अवेलेबल है फिंगर टिप में, तो आई थिंक अगर इवेंट के लिए आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ प्लान किया जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले परेशानियां बचेगा लोगों का, बीच में जितने भी लोगों का ईगो हैसल्स होता है वो नहीं है, क्योंकि जब 10 आदमी एक इवेंट में काम करते हैं तब ईगो हैसल्स बहुत होता है, किसी को ये पसंद नहीं आया, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आया, तो फाइनली क्या होता है किसी को अपना आर्टिस्ट को डालना है, किसी को उनका जो पर्सनल रैपो है जिस आर्टिस्ट के साथ उनको डालना है, तो ये हमारे लिए भी लॉस था और उनके लिए भी लॉस है। फाइनली कभी इवेंट होता नहीं था, कभी आर्टिस्ट कैंसिल हो जाते थे, पेमेंट टाइम पे नहीं पहुँचता था, तो बहुत चीज़ें हैं जो अभी सिंप्लीफाइड वर्जन पे आप सबके सामने आ जाएगा, हमारे साथ सामने भी आ जाएगा, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। पास पूजा मंजरी,
मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है. The thing is, for me to get convinced is not an easy task. Whoever's worked with me will know that. कि पूजा को convince करना इतना easy नहीं है. इनके पास एक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी which definitely drew my attention. One, इनका backend जो है which is really strong. Two, at the click of a button, अब जो छोटे शहरों में होते हैं, for instance, रायपुर से जो लोग होते हैं, they want to call a celebrity for an event. They don't know how to get there. But go celeb, click, done. At most transparency, verified. The best thing is, जो लोग आते हैं वो पूरे verified होंगे. So that's again the best thing. Second thing is, I don't have to let go of my agency. मैं एक agency के काम के साथ काम करती हूँ. What go celeb has done is, जो market होता है, उनको expand कर दिया है. कि अभी अगर आप शादी का इवेंट है एंड यू डोंट वांट एनी मिडलमैन, यू कैन जस्ट गो टू सेलेब. यू डोंट नीड एनी मिडलमैन इन द मिडल, इट्स डायरेक्ट. सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. ड्रीम्स आर टर्निंग टू रियलिटी बिकॉज नाउ यू कैन सी योर स्टार्स, यू कैन मीट देम, व्हिच इज ग्रेट. आई नो व्हेन ड्रीम्स कम ट्रू हाउ ब्यूटीफुल इट इज. सो दैट इज टू. द थर्ड वन इज दैट चैरिटेबल कॉज, व्हिच इज द आइसिंग ऑन द केक. आई सेड ट्रांसपेरेंट है, बैकएंड स्ट्रॉन्ग है, चैरिटेबल कॉज में बिलीव करते हैं, लोगों के सपने साकार करते हैं. आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सो गो सेलेब. आई थिंक रिमी और पूजा ने ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स कवर कर दिए हैं. मैं भी यही कहना चाहूँगी दैट मुझे जो बहुत पसंद आई की बात इनकी, एक तो ये थी कि ट्रांसपेरेंसी है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रिज बिटवीन फैंस एंड देयर फेवरेट स्टार्स एंड देयर टैलेंट और व्हाटएवर. And as she said, the whole charitable cause was something very interesting to me. Like उन्होंने मुझे समझाया था कि जैसे यू नो सो मेनी टाइम्स यू नो यू वेयर सर्टन क्लोथ्स एंड आप उनको रिपीट नहीं कर सकते हैं बहुत बार. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग इट अवे और यू नो लाइक यू नो नॉट यूजिंग इट अगेन एंड दे स्टेइंग इन योर कवर, आप उनको वो सेलेब को दे सकते हैं जो उनको ऑक्शन करेंगे और जो भी पैसा आएगा वो जाएगा एक NGO में एंड यू नो इट विल हेल्प द राइट पीपल फॉर द राइट कॉज. तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी वो सेलेब की. न्यू आर्टिस्ट को कैसे वेरीफाई किया जाएगा वो सेलेब को? न्यू आर्टिस्ट जो रहेगा उसको वो सेलेब कैसे वेरीफाई करेगा? उसके लिए एक प्रोसेस है. जो न्यू आर्टिस्ट है, कभी ना कभी हमारा भी पहला दिन था, हम भी वो दिन गुजरे हैं उस दिन से, तो हमारे लिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है. अगर कोई आर्टिस्ट हमारे वहाँ पर रजिस्टर होता है तो उसको आने वाला नहीं. और वो सेलेब ये सब हम जितना सेलिब्रिटी का केयर करेंगे उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजर का करेंगे, क्योंकि वो जिंदा है तो आप वो सेलेब जिंदा है और आर्टिस्ट जिंदा है. चाहे ऑर्गेनाइज हमारा नेक्स्ट वर्टिकल जो है कास्टिंग पे आ रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है. और पहली कास्टिंग एजेंसी ऐसी होगी जिसने इतना सारा पब्लिसिटी मार्केट जो मार्केटिंग बजट रखा है वो अभी पहली कास्टिंग एजेंसी होगी कि इतना सारा मार्केटिंग. हमारा हिमांशु भाई सब जानते हैं कैसे हमने वर्किंग किया, तो खुद सारे मेरे 15 साल पुराने फ्रेंड है वो खुद सोच रहे थे कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं. जो कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की तरह अगर इसको वैल्यू बना देंगे सबके लिए ईजी हो जाएगा, आपके लिए मतलब एक एंड यूजर के लिए और एक जो वर्कर है उनके लिए. उसके बाद हमारे 7 वर्टिकल है, तो 1 by 1 हर महीने कुछ ना कुछ 2 सेलेब लेके आएगा और आपसे मिलते रहेंगे. नेक्स्ट जो भी सेलेब्रिटी कंप्यूटर के एक फिंगर टिप पे आ गया है पूरा लाइफ सबका. आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना डिमांड है कि लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके शॉपिंग करना भूल गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक काम होता है. ट्रैफिक में जाओ, गाड़ी पार्क करो, फिर आप वॉक करके जाओ, फिर सामान चेक करो. घर बैठे बैठे आप ये जो वेबसाइट्स है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन, ये लाइफ इतना ईजी कर दिया है कि आई थिंक आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ अगर हो तो फिर वो सबके लिए फ़ायदा भी होगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा. तो आई थिंक वो सेलेब का जो ये दिमाग से निकला है कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. इसमें जितने भी मिडल मैन है उनके तरफ से जो कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता था आई थिंक वो दूर हो जाएगा. ऑर्गेनाइजर्स के साथ आर्टिस्ट का एक डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा और जैसे चिराग जी ने कहा है 5 रुपये का चीज़ 15 रुपया हो जाता है वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते. आई थिंक वो 5 से 6 रुपया होगा लेकिन 15 रुपया नहीं होगा. तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, सबका फ़ायदा है, सबका प्रॉफिट है और इसमें काफ़ी सारे लोग आपके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं. तो
आई थिंक बहुत अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट है रिमी जी. जिस तरीके से इस समय माहौल बना है मी टू को लेकर, एक लाइन जी, एक लाइन मी टू को लेकर, तो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जो स्ट्रगल कर रही है उनके लिए कैंपेनिंग कितना मायने रखता है? आई थिंक मैंने बॉम्बे टाइम्स को ऑलरेडी मेरा पहला इंटरव्यू दिया था जब तनुश्री का ये जो कंप्लेन आया था नाना पाटेकर जी के साथ अगेंस्ट में कि मी टू मूवमेंट रोल. मैम क्या कहना चाहेंगे गो सेलेब्स के कॉन्सेप्ट के बारे में? मतलब काफ़ी इजी हो गया जो कॉमन पर्सन है जो कनेक्ट करना चाहते हैं सेलिब्रिटी से, कितना एंटरटेनिंग है, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है? बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज गो सेलेब जो ये लेके आए हैं इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रिज बिटवीन फैंस एंड देयर फेवरेट स्टार्स एंड सेलेब्स और यू नो लोगों के बीच में जो ब्रिज द ब्रिज कट्स द गैप बिटवीन देम and in a very transparent way and aapko middleman ke through nahi guzarna padega and and aur bhi unka bahut unke site mein bahut sari cheeze hongi like you know there are the auctions of things which celebrities have owned aur wo jo bhi paisa aayega aapko auction ke through wo jayega ek ngo ke liye jo bhi you know whatever they have tied up with so that will also be for a good cause so yeah. Although Celeb sir, you know, they don't want to talk about the B2 campaign. आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कैंपेन के बारे में सपोर्ट करती है, करती तो रीजन क्या है और कितना ज़्यादा आपको रियल या फेक नज़र आ रही है चीज़? आई फील इट इज़ वेरी ब्रेव ऑफ द गर्ल्स टू फाइनली कम आउट विद दिस होल थिंग विद देयर ओन ट्रू स्टोरीज एंड येस आई डू बिलीव देम एंड बट मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे हैं इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली, बिकॉज यू नो इट शुडंट लुक एज इफ एवरीबडी इज़ बैड. बहुत अच्छे लोग भी हैं. आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया है. आई हैव हैड माई अनकम्फर्टेबल मोमेंट्स ऑल्सो बट मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया है और अपने आप को सेफ भी रखा है. सो बॉल इज ऑलवेज इन योर कोर्ट, यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ इफ यू वॉन्ट. आई एम राइट नाउ वर्किंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिएट्रिकल प्रोडक्शन. इट इज़ इट्स अ म्यूजिकल कॉल्ड देवदास एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड वो अभी 16th November को इट्स ओपनिंग. सो बेसिकली आई वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट इन 2012 एंड देन एशियाज गॉट टैलेंट. तो ऑफकोर्स मैं एक आर्टिस्ट रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट के किस चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है. और जब चिराग भाई ये कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे सामने तो ऑफकोर्स मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट कर पाया. It is very easy to understand because especially for talent like us, you know, celebrities and TV target quite easier for talent like us. कि अगर एक opportunity miss हो जाए तो आपका बहुत बड़ा business जा सकता है because आपको एक performance में देख के people call you for their different performances, for their different functions. So हमारे लिए each and every opportunity is very important. और एक एक opportunity को miss करना किसी दूसरे की गलती की वजह से it is our loss. और I guess Go Celeb एक ऐसा concept है जो ये loss को मिनिमम कर देगा और यू नो हमारे लिए वो मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा. तो आपने काफ़ी सारे इवेंट्स किए होंगे, लाइव परफॉर्मेंस किए होंगे, तो कभी कोई ऐसा अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस जो हुआ वो बताइए कि बुरा और अच्छे से ज़्यादा एक ऐसे होता है ना. एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल टैलेंट लाइक अस, जो हम जब जैसे आपने अभी देखा कि हमने गो सेलेब का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसके लिए परफॉर्म किया, तो वैसे ही हम हर एक कंपनी के लिए या हर एक ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ कस्टमाइज कर दे, वो परफॉर्म कर दे. और ऑफ उसके बाद हमारा एक एस्पेक्ट होता है कि यू नो यू शुड गो देयर एंड यू शुड टॉक टू योर क्लाइंट दैट हाउ दे फेल्ट. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिडल मैन एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर हियर एंड देयर, आप एक कॉस्ट देते हो और उसके ऊपर प्लस ऑन होकर फिर वो सब चीज़ होती है और वो बाहर ना निकले. इसके लिए क्लाइंट नेवर वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट विद योर क्लाइंट, यू नो. सो द एजेंसी ऑलवेज इन बिटवीन यू टू यू नो टू स्टॉप यू और टू नॉट टू गो टू द क्लाइंट. और ये चीज़ थोड़ी सी आपको अनसेटिस्फाई कर देती है. इट मेक्स यू आपको वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता और गो सेलेब इज़ द डायरेक्ट कनेक्शन. सो यू रियली नीड टू बी वरीड अबाउट एनी एजेंसीज. थैंक यू.